आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों व अभिभावकों को ग्रीष्म अवकाश में ऑनलाइन शिक्षण व गृह कार्य के लिए कुछ निर्देश देना चाहता हूँ। हमारा विद्यालय ग्रीष्म अवकाश के लिए 9 मई 2020 से 19 जून 2020 तक बंद रहेगा। हमारे लिए अभी भी लॉकडाउन है तथा छात्र व अभिभावक अभी भी घरों में ही रह रहे हैं। अभी तक हम प्रतिदिन ऑनलाइन शिक्षण करा रहे थे, लेकिन अब ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों की छुट्टियों के कारण यह शिक्षण लगातार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे कुछ डेडिकेटेड टीचर्स ने कक्षा 10 व 12 में लगातार शिक्षण जारी रखने का निर्णय लिया है। मैं उन शिक्षकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस विकट परिस्थिति में देश हित व छात्र हित में अपना समय देने को तैयार हैं। यह शिक्षक आपको अपना टाइम टेबल भी भेज देंगे। बाकी बच्चों को हम अन्य प्रतियोगिताओं में व्यस्त रखने का कार्य करेंगे। हमने यह सोचा है कि हम प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक विषय का 25 अंकों का रिवीजन टेस्ट भी लें। यह टेस्ट एक दिन में एक ही विषय का होगा तथा इसके लिए सिलेबस भी वही होगा जो अभी तक पढ़ाया गया है। हम चाहते हैं कि बच्चे YouTube से वीडियो को देखें, पढ़ें, एक सप्ताह तक तैयारी करें तथा टेस्ट दें। इससे बच्चे भी व्यस्त रहेंगे, उनका समय भी व्यतीत होगा, पढ़ाई भी होगी। अतः अभिभावक बच्चों को पढ़ाई कराते रहें। हम उन्हें पढ़ाई भी कराना चाहते हैं तथा उन्हें व्यस्त भी रखना चाहते हैं ताकि छात्र घर पर रहें, व्यस्त रहें, तनाव में ना आए और सुरक्षित रहें। आप छात्रों को अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप भी डाउनलोड करके दे दें। इस ऐप के माध्यम से भी छात्र कक्षा 1 से 10 तक के सभी विषयों की पढ़ाई घर पर ही कर सकते हैं। हम ऑनलाइन शिक्षण का पूरा उपयोग कराना चाहते हैं, जिसके लिए हमें अभिभावकों व छात्रों के सहयोग की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि YouTube पर वीडियो को देखना व शिक्षकों के समस्त निर्देशों का अनुपालन ही आपको सफलता दिला सकता है। ऑनलाइन शिक्षण की सफलता के लिए छात्रों का इसमें प्रतिभाग करना व अभिभावकों का छात्रों पर नज़र रखना व पढ़ाई के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। कल 9 मई को आप शिक्षण अभिभावक मीटिंग में भाग लें, शिक्षकों से निर्देश लें, छात्रों का परीक्षा परिणाम जानें तथा साप्ताहिक टेस्ट की तिथियाँ देख लें। उन तिथियों में छात्रों को टेस्ट में प्रतिभाग कराएं। आप किसी भी समस्या के लिए विद्यालय की मेल आईडी kv1rudkihelp@gmail.com पर संपर्क करें। आपके बच्चों के लिए मैंने अनेक वीडियो अपने YouTube चैनल https://youtube.com/user/vipinkumartyagi पर अपलोड किए हैं, जो छात्रों की प्रेरणा के लिए हैं। इस वीडियो के लिंक से ही आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे, जिस पर आप जब चाहें छात्र हित के वीडियो देख लें। यह छात्रों को प्रेरणा देंगे, यह छात्रों के लिए उपयोगी भी हैं। साथ ही साथ आप छात्रों को स्कूल के YouTube चैनल को भी देखते रहने को कहें और उसका भरपूर उपयोग करें। हम आपके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।